मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे यानी रविवार को 32 नए कोरोना केस सामने आए। इसके बाद अब प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 170 हो गई है। टेस्ट किए गए सैंपलों की संख्या के आधार पर अभी प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 5.4 पर पहुंच गई है। प्रदेश के बड़े शहरों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9 केस भोपाल में मिले, जिसके बाद यहां एक्टिव मरीज 69 हो गए हैं। वहीं अब इंदौर में 46 और जबलपुर में 19 एक्टिव केस हैं। वहीं सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने के साथ सुरक्षित रहने की सलाह दी है। लड़कियों के पहनावे पर दिए बयान को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। 3 पेज का ये नोटिस शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने एडवोकेट सौरभ मिश्रा के माध्यम से दिया है। दरअसल बुधवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने लड़कियों के भद्दे पहनावे और नशा करने पर उन्हें सूर्पनखा जैसा बताया था। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक 33 ट्रक ड्राइवरों की हत्या करने वाले सीरियल किलर आदेश खामरा को भोपाल जिला अदालत ने शनिवार को ट्रक चोरी के मामले में 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इतनी ही सजा उसके साथी जय करण को भी सुनाई है, जबकि सह आरोपी बलजिंदर सिंह और सुनील खटिक को 2-2 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगाया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को एक और उपलब्धि मिली है। एसटीआर को देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में दूसरे नंबर की रैंक मिली। यह रैंक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन कार्य बेहतर टीम के चलते हासिल हुआ है। यह रैंक देश भर के 51 टाइगर पार्क में मिली है। उज्जैन में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा के आयोजन स्थल की सुरक्षा में जुटी महिला बाउंसर और वहां तैनात महिला पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गईं। दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचे, वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें अलग किया। इसके बाद एक बाउंसर को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा तो विवाद फिर बढ़ गया। दूसरे बाउंसर भी पुलिस से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है। रविवार को सागर में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। भोपाल में हल्की बूंदाबांदी और छिंदवाड़ा में ओले गिरे। बालाघाट में भी 1 घंटे तेज बारिश हुई। सोमवार को तीसरे दिन भी भोपाल में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर और रायसेन में भी बूंदाबांदी हो सकती है।